Okay. so today we are here to understand the upsc mains 2024 internal security questions uh, questions are only two in number uh, but before that 2 3 minutes or 5 minutes we should try to understand because uh, this remains one of the uh, neglected areas for the students and uh, if we start reading uh, completing the syllabus of internal security uh, we read more than 20 questions as per the syllabus and out of that we get only two or maximum three so the offset is quite uh, unfavorable to the students for putting hard work into the internal security but if we understand the basic uh, Patterns or the ideas how we should uh, think on internal security, then it is quite easier to complete this syllabus and do justice to those questions which will come suddenly. And majority of times, uh, the issues will be very normal, I mean, not very uh, out of some uh, secret book, but it is the open public issue from where the questions will be asked. But sometimes, uh, they give directly from the government reports and papers and their schemes for which we need to go to uh, Ministry of Home Affairs website and uh, search for the internal security division there and when we go there then we uh, come across various schemes and uh, programs uh, which the government of India is implementing uh, on the internal security challenges now, इंटरनल सिक्योरिटी शुड बी अंडरस्टुड नॉट एज सम्योरिटी चैलेंज विच हैज इमर्ज इंटरनली मतलब इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये नहीं समझना चाहिए मैं फिर से बोलता हूँ ये नहीं समझना चाहिए कि सुरक्षा को जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं द्रेट्स टू सिक्योरिटी आर प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल इन नेचर इंटरनल नहीं है तो फिर इंटरनल सिक्योरिटी क्यों कहते हैं एक पारंपरिक जो परिभाषा बनती थी आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो वैश्वीकरण इतना तेज नहीं था इंटरनेट का धमाना नहीं था इंटरनेशनल टेररिज्म नहीं था नार्को ड्रग्स वाला ग्लोबल मिनस नहीं था इन सारे प्रॉब्लम्स के आने के पहले जो इंटरनल सिक्योरिटी का डेफिनेशन था वो ये था कि व्हेन थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी ओरिजिनेट्स फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर्स देन द इशू इज कॉल्ड द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यू बट अब ये परिभाषा थोड़ी आउटडेटेड हो गई है सो नाउ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी विच यू थिंक इज इंटरनल कैन इक्वली बी ओरिजिनेटेड फ्राम द एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनेशनल फैक्टर्स लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाई क्यों करते हैं अगर फैक्टर थ्रेड का देश के बाहर ओरिजिनेट हो रहा है तब तो हमें उसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी रखना चाहिए और आर्मी को देना चाहिए या विदेश मंत्रालय को देना चाहिए रक्षा मंत्रालय को देना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न विच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके जो नवीन सोच है जो नई सोच है वो ये बन के आई है कि थ्रेट चाहे घर से आए डोमेस्टिक हो टेरिटोरियल हो अपने अंदर से आए या थ्रेट बाहर से आए अगर उसका सल्यूशन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी पावर uh, विभाग इंस्टीट्यूशन से हो सकता है तो फिर उस मुद्दे को हम इंटरनल सिक्योरिटी में रखेंगे इसका मतलब ये है कि सोर्स ऑफ थ्रेट इन मटीरियल है वो डोमेस्टिक भी हो सकता है नॉन डोमेस्टिक भी हो सकता है लेकिन अगर सल्यूशन इंटरनल ही होगा या मेनली इंटरनल होगा तो निश्चित रूप से हम उस मुद्दे को इंटरनल uh, सिक्योरिटी में लेके आएंगे तो पिछले तीस वर्षों में खासतौर से 1990 के बाद जब टेररिज्म भी ग्लोबल हो गया है डार्क वेब इंटरनेट आज की डेट में एआई से जुड़े हुए सारे चीजें जो कि इंटरनेशनल हो चुकी हैं उस दौर में ये मानना कि कोई खतरा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को घर से ही उत्पन्न हुआ होगा ये ठीक बात नहीं है हाँ खतरा घर में है अब उसका सोर्स बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है ठीक है तो इस बात को दिमाग में रखते हुए ही हम इंटरनल सिक्योरिटी के इस साल के आए हुए दो ही क्वेश्चन आए हैं इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अब देखिए पहला क्वेश्चन है पढ़ना होगा आपको मैं पढ़ता हूं एक्सप्लेन वट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज नार्को मीन्स ड्रग्स टेररिज्म एज यू नो सो ड्रग्स एंड टेरर सो यू हैव टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन देम एंड फॉर दिस यू कैन यूज वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट बाई यू आप 2024 भी है हर साल आती है तो 2024 के यूनाइटेड नेशंस के यूएनओडीसी जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम तो वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2024 को अगर हम देखें तो वो ड्रग्स और टेररिज्म के नेक्सस को डिटेल में समझता है देशों से समझने के लिए बोलता है एंटिसिपेट करने को बोलता है एंटिसिपेट मतलब हर देश को ये सोचना होगा कि ड्रग्स टेरर फाइनेंस का एक प्राइमरी सोर्स बन गया है भाई टेररिस्ट भी एक काम है बिजनेस है उसमें भी लोग लगे हुए हैं उनको भी पैसा चाहिए उनको तो ज्यादा पैसा चाहिए तो वो पैसा कोई वाइट मनी और लीगल सोर्स से तो आएगा नहीं वो ब्लैक मनी ही होगा तो ड्रग्स एक ऐसा सोर्स है पैसे का जो टेरर फाइनेंसिंग के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स की फाइनेंसिंग के लिए इनकम के लिए पूरे दुनिया में एक प्रमुख साधन बन गया है सो so, ड्रग टेरर नेक्सस इनेविटेबल होता जा रहा है तो अगर आपको टेरर रोकना है तो ड्रग्स को रोकना होगा दो ड्रग्स के और बहुत सारी समस्याएं हेल्थ इश्यू यूथ का डिस्ट्रॉय हो जाना लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाना देश की व्यवस्था पर से जनता का विश्वास कम हो जाना कानून की कमियां सबको दिखने लगना हमारी जो एजेंसियां हैं ड्रग को रोकने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह हर स्टेट में हैं उनकी अक्षमता भी दिखने लगती है सो ड्रग्स हैज़ मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम बट हमारे प्रश्न में नार्को टेररिज्म है तो हम ड्रग्स और टेररिज्म वाले ही रिलेशन को हाईलाइट करेंगे क्योंकि 150 वर्ड में बहुत कुछ लिखना संभव नहीं होता है आप जिसने मेंस दिया होगा वो लोग जानते हैं तो एक या दो पॉइंट अगर पकड़ में आ जाए तो उसी से इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज लिखने होते हैं और यहां भी हम लोग वही करने वाले ठीक है सो एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज द सीरियस थ्रेट अक्रॉस कंट्री अब इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है तो अक्रॉस कंट्री एक सीरियस थ्रेट ड्रग्स एंड टेरर फैनांसिंग के लिए हमें इसको बताना है कि कैसे ये होता है या इंडिया क्यों ससेप्टेबल है इस बात के लिए और ससेप्टेबिलिटी में आप दो तीन पॉइंट जरूर बताएंगे कि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि हमारे ईस्ट में जाएं तो गोल्डन ट्रायंगल है है ना म्यांमार कम्बोडिया लाओस ये तीन देश ड्रग्स के सबसे बड़े उत्पादक और 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 एक्सपोर्टर हैं लीगल इलीगल दोनों तरीकों से वो हमारे बॉर्डर पे है बर्मा बॉर्डर एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में ड्रग्स के एंट्री या टेरर फाइनेंसिंग के लिए उसका पैसे का यूज करने के लिए ठीक है दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान ये तीन देशों का गोल्डन क्रेसेंट ऐसा है कि टेरर फाइनेंसिंग का 90 परसेंट पैसा इन देशों में ड्रग्स क्रिएट करके ही ड्रग्स का उत्पादन करके ही और इलीगली यूरोप या इंडिया या अमेरिका में पहुंचा के ही होता है अब ड्रग्स में प्रॉफिट शुद्ध है हंड्रेड परसेंट है ठीक है अगर सफल हो गए तो पैसे की भरमार लगती है तो इससे ड्रग सिंडिकेट क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है ड्रग्स का लत लगाना ड्रग्स की आदत डलवाना कॉलेज स्कूल में ड्रग्स फैशन बना देना और ऐसा सोचना ऐसे व्यवहार करना कि एक दो बार ड्रग्स लेने से कुछ नहीं होता इन सारी बातों से ये होता है सोसाइटी में कि ड्रग्स का डिमांड हमेशा बना रहता है और चूंकि ड्रग्स हमेशा अंडर कवर बेचा जाता है तो वो प्राइस हमेशा ही एग्जॉर्बिटेंट होगा उसका कोई मार्केट प्राइस तो होता नहीं है ट्रीमेंडस प्रॉफिट फॉर वट एवर वे दे आर डूंग खरीदने वाले को लगता है कि उसको चाहिए ही चाहिए चाहे एडिक्टेड है चाहे फैशन है और बेचने वाले के लिए तो वो जो बीच में बिचौलिया है उसको तो फायदा है ही है और जहाँ से ड्रग्स ओरिजिनेट हो रहा है उसको बहुत बड़ा पैसा पहुंच जाता है बहुत बड़ा पैसा तो ये जो सिंडिकेट है ड्रग्स के आने का बेचने का स्मगलिंग का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का क्रिमिनल गैंग्स का उनका मेन मोटिव पैसे कमाना है चूंकि टेररिस्ट ग्रुप को भी पैसा चाहिए और ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो उनको ज्यादा पैसा दे सकती है सो दे आर फॉर मेजोरिटी ऑफ टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बी इट लैटिन अमेरिका बी इट गोल्डन क्रेसेंटर गोल्डन गोल्डन ट्राइंगल दे आर ऑल इंगेज इन द स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड सो इट हैज एट थ्रेट थ्रेट फॉर श्योर आप रोज अखबार में देखेंगे गुजरात तट पे इतना ड्रग्स पकड़ा गया क्योंकि कोस्टल एरिया से ही ड्रग इंडिया में एंट्री मारेगा पाकिस्तान बॉर्डर से मारेगा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से मारेगा पाकिस्तान तो अब ड्रोन से ड्रग्स भेज रहा है कितनी आपने खबरें सुनी और ये बांग्लादेश बॉर्डर और बर्मा बॉर्डर ये दो बॉर्डर ऐसा है जहां 100 परसेंट हम इलीगल आने जाने को रोक नहीं पाए हैं तो ड्रग्स की स्मगलिंग बर्मा बॉर्डर पे खास तौर से एक भारत की बड़ी समस्या हमेशा से है सो इट इज अ सीरियस थ्रेट नॉट ओनली टू द फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी बट ऑल्सो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिकॉज ड्रग्स और टेररिज्म में अब लगातार पिछले पंद्रह बीस वर्षों से एक सीधा संबंध बनता जा रहा है तो इन बातों को शुरुआत में दिखाना है लिखना है कुछ फैक्ट देने ठीक है, है अब अगला ऑफ कोर्स प्रॉब्लम पूछा है तो सोल्यूशन पूछेगा ब्यूरोक्रेसी में आप जा रहे हैं तो आपका मेन काम है सोल्यूशन देना तो सजेस्ट सुटेबल मेजर्स यहां पे क्या करना है आपको उचित उपाय बताने हैं टू काउंटर नार्को टेररिज्म नार्को टेररिज्म कुछ उपाय तो भारत सरकार लागू कर रही है तो आप उन सारे उपायों को भी लिख सकते हैं कि ये देखिए सल्यूशन है सरकार कर रही है और इसको थोड़ा और इस पे काम करने की जरूरत है अब क्या क्या सरकार कर रही है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसी है इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स को उत्पादन स्टोरेज सेल ट्रांसफर यूज़ इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई तो हमें जो कंट्रोलिंग एजेंसी है जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसकी एफिशिएंसी और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग तब होता है जब उसके पास अपना डोमेन नॉलेज हो और डोमेन नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए सफिसियंट स्किल सेट हो सफिसियंट अथॉरिटी हो और सफिसंट ह्यूमन रिसोर्स हो तो पहला तो ये हो गया दूसरी चीज़ है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कोई भी एक एजेंसी सरकारी हो राज्य की हो लोकल लेवल पे हो इंटेलिजेंस वाली हो इन्फोर्समेंट वाली हो कोई भी लोकल एजेंसी अपने आप ये काम नहीं कर सकती सो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोगों के साथ सहयोग बिकॉज स्मगलिंग जो बॉर्डर एरियाज में होती है किसी ना किसी लोकल एजेंट के थ्रू या आसपास के लोगों को जानकारी जरूर होती है सो अंटिल वे डेवलप द लोकल ह्यूमन इंटेलिजेंस इन द बॉर्डर एरियाज इस्पेसिफिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिवेंट दिस नार्को टेररिज्म एज द इश्यू चौथा जो मेन सोल्यूशन है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्योंकि ड्रग्स का मिनस ग्लोबल है और शायद कोई एक ही सिंडिकेट यूरोप में भी भेज रहा है या इंडिया में भेज रहा है तो अगर यूरोप वाले उसको पकड़ते हैं या उसके बारे में कुछ जानते हैं तो वो इंडिया को बताएं इंडिया वाले जानते हैं तो यूरोप को बताएं तो इस तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ का इसमें बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे ड्रग्स और ब्लैक मनी टेरर मनी इन दोनों के बीच के रिलेशन को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू तक एक्सप्लेन करना होगा और तब जाके ये काम थोड़ा सा बनेगा सो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन स्पेसिफिकली इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विच इंडिया इज टूरी हम कर रहे हैं लेकिन जैसे बर्मा में तख्ता पलट हो गया कोई स्पेसिफिक सरकार नहीं है और सरकार भी है तो सरकार का ना बॉर्डर एरियाज़ पे कंट्रोल छोड़िए उसका तो अपने कैपिटल एरिया पे कंट्रोल नहीं है तो फिर अगर बर्मा सरकार से हम कोई एग्रीमेंट भी करें सो दे विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट तो वीक गवर्नमेंट होना पाकिस्तान का भी वही हाल है अफगानिस्तान तो खैर यू नो तो टेरर पे ही सरकार डिपेंडेंट है और ये चीजें ड्रग्स uh, पे सरकार डिपेंडेंट है इन चीजों को आप इंटरनेशनल प्रेशर से ही ठीक कर सकते वॉर तो करेंगे नहीं अगला छठा पॉइंट इसमें होगा कि मनी लॉन्डरिंग एंगल को हमें प्राइमरीली लागू करना होगा और एफएटीएफ एफ का जो पूरा कॉन्सेप्ट और काम है इसको इसमें हाईलाइट करना होगा क्योंकि ड्रग्स भी इलीगल है जो पैसे आएंगे वो ब्लैक मनी है वो किसी न किसी तरीके से वो पैसे ट्रांसफ़र होंगे और जो बड़े आका लोग हैं सिंडिकेट लोग हैं ड्रग माफ़िया जो हैं वो उसको वाइट मनी में बदलने की कोशिश करेंगे तो अगर हमारे बैंक और बाकी चैनल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर वो कैपेबल हैं अवेयर हैं वो एंटिसिपेट करते हैं वो फ्लैग करते हैं कि ये पैसा लगता है ब्लैक मनी का है सरकार से पुलिस से कोऑर्डिनेट करते हैं तो डेफिनेटली इस पर काम बड़ा अच्छे से होगा और वही एंगल पे दुनिया में काम चल रहा है क्योंकि ड्रग्स को लेके जब तक हम ब्लैक मनी से रिलेट नहीं करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट नहीं करेंगे तब तक हम ड्रग्स के जो मेन किंग पिन है उनको रोक नहीं पाएंगे उनको रोक नहीं पाएंगे ठीक है आ, बाकी और जो सोल्यूशंस हैं वो एक जनरल सोशल पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी की तरह है पांच सातवां सोल्यूशन वो ये है कि हमें जनता में कहीं ना कहीं से एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि देखो ड्रग्स किसी के लिए भला नहीं रोकना तो वही है बट ड्रग्स को फैशन नहीं समझना एंड दिस इज वेयर वी नीड टू अवेक इन द सोसाइटी स्पेशली इन बॉर्डर एरिया स्टेट्स लाइक पंजाब जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मिजोरम, नो इन एरियाज में परेशानी ज़्यादा है तो बड़ा एरिया स्पेसिफिक प्लान भी हम बना सकते हैं कि इसको कैसे करना होगा इन सारी चीज़ों को मिला के हम इसका वन फिफ्टी वर्ल्ड का एक अच्छा उत्तर इसमें लिख सकते हैं यूपीएससी में एम यही होना चाहिए कि एब एवरेज आंसर लिखा जाए बेस्ट आंसर का कभी कभी कोशिश नहीं करना होता है एबव एवरेज एंसर इज ऑलवेज द बेस्ट आंसर इन इन एक्चुअली एक्चुअल एग्जाम सीनेरियो ठीक है जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा यू हैव टू रीड इट वांस और इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल्ड बॉर्डर बॉर्डर तो है भाई ट्रबुल्ड किसके किसके साथ चाइना एंड पाकिस्तान ठीक है कंटेंसस इश्यूज हैं तो ये तो स्टेटमेंट हो गया क्वेश्चन का विच वी एग्री एवरीबडी विल एग्री एग्जामिन क्वेश्चन क्या है एग्जामिन द इश्यूज पहला क्या करना है इश्यूज बताने हैं दूसरा सिक्योरिटी चैलेंजेस बताना है जो इस इश्यू से ओरिजिनेट होगा तो ये तो हो गया हमारा लगभग पहला पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ उसके बाद है ऑल्सो गिव आउट डेवलपमेंट बींग अंडरटेक क्या करना है बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट क्या हो रहा है उसको बताना है और डेवलपमेंट की दो स्कीम और प्रोग्राम के नाम भी दे दिए हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोग्राम मन लॉन्ग टर्म और बॉर्डर इंफ्रा मैनेजमेंट स्कीम स्कीम मतलब की होगा कुछ ना कुछ इसका एक एक्सपायरी डेट होगा है ना जनरली इसका बजट कहीं ना कहीं से फिक्स होगा तो इन दोनों के बारे में बताना है टू फिफ्टी वर्ड है इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए ज्यादा है कोई क्वेश्चन भी बड़ा है देख ही रहे हैं। तो चाइना एंड पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कंटेन्स है when you write this you will write in the first paragraph that when international border of india has not been declared as 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 the mutually acceptable international border with both pakistan and china then the border is not properly demarcated और इन दोनों देशों के साथ सिर्फ बॉर्डर की प्रॉब्लम नहीं है पूरे एरिया की प्रॉब्लम है पाकिस्तान को कहता है कश्मीर मेरा है और पीओके उसके हाथ में है तो ये मात्र लाइन ऑफ कंट्रोल का इश्यू नहीं है लाइन ऑफ कंट्रोल का इश्यू तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी खड़ी ही है बॉर्डर इश्यू एरिया इश्यू बन गया है और वैसे ही चाइना के साथ वो भी मैगमोन लाइन को नहीं मानता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक टेम्पररी लाइन ऑफ स्टेबिलिटी है वो कहता है कि भाई पूरा मेरा अरुणाचल मेरा है और ये हम लेंगे वो लेंगे फिर भी अब एल और एल दोनों ही फ्रॉड विद कंटेंस बिकॉज क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स इससे चाइना से बढ़िया एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता गलवान हुआ देपसांग हुआ डो, डोकलाम हुआ है तो इन सारी चीजों से एक चीज निकल के आती है कि बॉर्डर डिमार्केशन एक कंटेंसस इश्यू है काउंटर क्लेम्स है कंफ्लिक्टिंग है नाउ द सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट होंगे ही होंगे बिकॉज अगर बॉर्डर वोलेटाइल है अनस्टेबल है इनसिक्योर है तो आपको बॉर्डर लाइन को एक हॉट बॉर्डर में तब्दील हो जाता है बॉर्डर क्या होना चाहिए बॉर्डर जनरली कोल्ड बॉर्डर होना चाहिए यानी कि बॉर्डर एग्रीड है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हम सब जानते हैं कि यहाँ से तुम्हारा देश शुरू होता है यहां से मेरा देश शुरू होता है लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वो बॉर्डर हॉट बॉर्डर में तब्दील हो जाता है और हॉट का मतलब है कि अब आर्मी दोनों तरफ से खड़ी रहेगी परेशानियां रहेंगी तो इससे सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट होते ही होते हैं चाइना पाकिस्तान दोनों आपने देखा रोज रोज फायरिंग होना पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट को बंदर भेजना ठीक है आ, बहुत हाई अलर्ट मोड में दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी रखना और ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है बॉर्डर एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को लेके, और दोनों देशों में कभी भी झड़प होने या युद्ध होने का टेंशन भी हमेशा बना रहता है तो ये सिक्योरिटी थ्रेट तो क्रिएट होगा ही होगा ये हमारा हाफ ऑफ आंसर मतलब फोर्टी परसेंट जो पूरे आंसर का हम लोग इन बातों को पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज लिख देंगे अब आता है दो स्कीम दिया है अब इन दोनों पे हम पचास पचास वर्ड या साठ साठ वर्ड लिख देंगे और लास्ट में कंक्लूजन एक पैराग्राफ का तीस वर्ड लिख देंगे तो हमारा आंसर टू फिफ्टी वर्ड का पूरा हो जाएगा अब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सेवेंथ फाइव ईयर फाइव ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन जब था तो 1980 के दशक में इसको शुरू किया गया शुरुआती में तो इसका उद्देश्य था कि बॉर्डर एरियाज़ में और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के 17 राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं है ना पंजाब राजस्थान से ऊपर जाते हुए है ना कश्मीर फिर उत्तराखंड यूपी पूरा नॉर्थ ईस्ट सिक्किम नीचे वेस्ट बंगाल तो जितने भी लैंड बॉर्डर वाले हमारे फ्रंटियरी स्टेट्स हैं इंडिया के तो सत्रह राज्यों के एक सौ ग्यारह जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू होता है अब इसके दायरे को बढ़ा दिया गया है पहले था कि भाई साहब इंफ्रा बनाइए लेकिन बाद में ये देखा गया कि सिर्फ इंफ्रा बनाने से बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होगा आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को जेन्यून डेवलपमेंट इश्यू बनाया गया जिसमें हेल्थ एजुकेशन ड्रिंकिंग वाटर और अदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सी ये लिखेंगे सीबीएम क्योंकि हर एक सेक्शन का अपना एक टर्मिनोलॉजी है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किससे होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आएगा वहां के जो लोग रहते हैं बॉर्डर पे हमारे साइड उनके साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो नागरिक प्रशासन है डीएमएसपी हो या आर्मी का कोई प्लाटून कमांडर हो ब्रिगेडियर हो आसाम राइफल्स हो आईटीबीपी हो बीएसएफ हो इन सभी लोगों के साथ एक बड़ा म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशन चाहिए तो बिना डेवलपमेंट को तो होगा नहीं लैक ऑफ़ ट्रस्ट बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि बी असम राइफल्स और आई नेपाल भूटान के साथ एस और इनके अलावा आर्मी आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के हिसाब से आर्मी बॉर्डर पे सीधे तैनात नहीं हो सकती आर्मी का काम है युद्ध शुरू होने के बाद बॉर्डर पर जाना तो एक लॉ के हिसाब से बॉर्डर पे एक लेस देन आर्मी फोर्स बनाना पड़ता है तो इसीलिए हमने पैरामिलिट्री बनाया जिसको हम अब सेंट्रल पुलिस फोर्स कहते हैं तो बीएसएफ को दे दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश असम राइफल्स को दे दिया नॉर्थ ईस्ट आईटीबीपी को दे दिया चाइना बॉर्डर लगभग चार हजार किलोमीटर के आसपास का है अब ये बॉर्डर सिक्योरिंग एजेंसीज का लोकल लोगों से ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा इसीलिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूरी है तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगभग हर साल 21-22 के दौरान तकरीबन सात नब्बे करोड़ रुपए खर्चा किए गए तो इतना याद नहीं है तो हर साल हजार करोड़ के आसपास खर्चा होता है उसका काम है कि डेवलपमेंटल इश्यूज पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे अलोंग विद बॉर्डर इंफ्रा काम करना और ये म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए बड़ा जरूरी है और इसके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है कई जगहों खास खासतौर से अरुणाचल प्रदेश सिक्किम है ना इन दो जगहों पे जो स्थानीय पॉपुलेशन है वो भारतीय सेना और सशस्त्र बलों के साथ पूरी तरह खड़ी रहती है सूचना देती है तो वी नीड टू हैव डेवलपमेंटल कनेक्शन विद द लोकल पॉपुलेशन इन द बॉर्डर एरिया एंड फॉर दिस बी ए डी पी इज क्वाइट क्रिटिकल इन नेचर दूसरा है बॉर्डर इंफ्रा एंड मैनेजमेंट अब ये नई स्कीम है नई स्कीम इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे ये लगने लगा कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में कमी है कमी है तो फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ने तकरीबन 2000 करोड़ पर ईयर के हिसाब से पांच सालों के लिए 21 से लेकर 26 तक बॉर्डर इंफ्रा मैनेजमेंट स्कीम को फाइनेंस किया सेंट्रल और दोनों ही स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंप्लीमेंट करती है ये भी लिख देना है क्योंकि बॉर्डर वाले सारे काम इंटरनल सिक्योरिटी वाले सारे काम तो होम मिनिस्ट्री के पास होता है अब बॉर्डर इंफ्रा एंड मैनेजमेंट में होता क्या है अब बॉर्डर से रिलेटेड सो बॉर्डर फेंसिंग बॉर्डर आउटपोस्ट ठीक है बॉर्डर पेट्रोलिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर डेवलपमेंट तो बॉर्डर शब्द से जुड़े हुए चार पांच डायमेंशन पे काम होता है इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर है खासतौर से स्मार्ट फेंसिंग और फेंसिंग स्मार्ट फेंसिंग में सेंसर्स होते हैं वहाँ आदमी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो खुद ही बताते हैं कि भाई कोई क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 24 घंटे किसी इंसान की ड्यूटी लगाना पॉसिबल नहीं होता और इंसान से गलतियाँ भी हो सकती हैं धोखा दिया जा सकता है आंखों में धूल झोंक के अंदर ला सकते हैं बट अगर हम सेंसर्स, कैमरास और इंफ्रा जैसी डिवाइसेस लगाते हैं तो कोई भी मूवमेंट हमको नज़र में आती है अलार्म रेज होता है तो सेंसर फेंसिंग स्मार्ट फेंसिंग प्लस प्रिवेंटिव फेंसिंग जिसको हार्ड कोर तार वाली फेंसिंग कहते हैं वो भी लगता है क्योंकि स्मार्ट फेंसिंग बहुत महंगा होता है तो हर जगह तो लगा नहीं सकते तो बॉर्डर इंफ्रा मैनेजमेंट स्कीम में 2026 तक बॉर्डर से संबंधित सारे डायमेंशंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात की गई है और किया जा रहा है इसमें बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए रोड जीप गाड़ी जाने के लिए रोड ये भी है बॉर्डर आउटपोस्ट बने आउटपोस्ट जहां पे दस बीस जवान रहे सुविधा हो सिक्योरिटी हो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो आने जाने का रास्ता हो यू नो ये सारे बॉर्डर आउटपोस्ट है तो बांग्लादेश से लेकर और बिल्कुल भारत के सभी सीमावर्ती राज्यों को होते हुए यहां पे राजस्थान तक बॉर्डर इंफ्रा मैनेजमेंट स्कीम इंप्लीमेंट किया जाता है खास तौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे। अभी आपके मेंस होने के दो तीन दिन पहले ही चार दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया और पेपर में आया भी था अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी आया था कि बर्मा को भी अब हम स्मार्ट फेंसिंग वाले डालेंगे क्योंकि तो मणिपुर क्राइसिस के बाद बर्मा बॉर्डर पहले तो नार्को वाले इश्यू के साथ मेन में था अटेंशन में बट अब मणिपुर क्राइसिस के बाद फिर वो फिर से मेन अटेंशन में आ गया है सो अब इसके अंदर बर्मा पे अलग से बजटिंग हो रही है और काम शुरू हो गया है तो बॉर्डर मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली फेंसिंग पेट्रोलिंग आउटपोस्ट और पेट्रोलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी बातों पे फोकस करने के लिए अलग से बजट फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड कराता है अब कंक्लूजन में इसका यही देना है कि सी द पॉइंट इर इज कि ये सारे मुद्दे क्या हैं कि डायनेमिक हैं यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने ये सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर दिया तो नए चैलेंजेस नहीं आएंगे और जब तक हम बॉर्डर पे रहने वाले भारतीय नागरिकों से एक ट्रस्टवर्दी संबंध नहीं रखेंगे उनको भारत की एकता अखंडता से लगाव जुड़ाव नहीं होगा तब तक सिर्फ मशीनें और सेना लगा के बहुत हद तक बॉर्डर मैनेज कर पाना एक चुनौती रहेगा असंभव तो मैं नहीं कहता हूं बट निश्चित रूप से एक चुनौती रहेगा चुनौती रहेगा ठीक है सो so, बॉर्डर अनस्टेबल कर देना ये विदेशी देशों का एक स्ट्रेटेजी होता है जैसे कि चाइना ने गलवान क्लास के बाद क्या अचीव किया चाइना ने गलवान क्लास से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अचीव की कि उसने भारत का अटेंशन इंडिया चाइना बॉर्डर पे बढ़ा दिया हजारों करोड़ों का खर्चा बढ़ा दिया सेना पे स्ट्रेस बढ़ा दिया ह्यूमन रिसोर्स में स्ट्रेस बढ़ा दिया तो बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करना हमेशा आपको एडवांटेज देता है चाइना बॉर्डर खासतौर से क्योंकि तिब्बतन प्लेटियो और उसके टोपोग्राफी के चलते इंडिया हमेशा डिसएडवांटेज में रहेगा या रहता आया है हिमालयन वॉर इंडिया के लिए बहुत टफ होता है और आगे भी हो हो सकता है अगर वॉर हो तो भले बासठ के वॉर की तरह हमारी पूरी हार ना हो लेकिन चुनौती हमेशा रहेगा क्योंकि तिब्बतन प्लेटियू फ्राम चाइना साइड इज मोर फेवरेबल लेकिन इंडिया साइड से वो बहुत ही दुर्गम चढ़ाई है और दुर्गम घाटियाँ और पहाड़ पत्थर हैं वहाँ पे मैनेज कर पाना बहुत टफ होता है चाइना की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है तो उस हिसाब से वो खर्चा भी करता है और हम अपने नई नई चीज़ें हम शुरू किए हैं इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं सो इट इज़ अ डाइनमिक इश्यू एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट इस कंक्लूजन के साथ आप इस चीज को समाप्त कर देंगे ठीक है तो दिस वॉज थिंग अबाउट हाउ वी शुड टैकल द इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्वेश्चन को पढ़ना उसके सारे डायमेंशन को देखना और अलग अलग सब पे कुछ रिश्नल और काम की बातें कर देना बड़े शांत तरीके से कूल cool और कॉम्प्रिहेंसिव होके बिना डरे और अपनी बात बता देना यूपीएससी का जो काम है इसमें भी यही करना था थैंक यू